आज ठारु तुम सह मोर कौन स्वामी स्त्री संपर्क ना तुम्हें तुम पथरे आ मु मो पथरे कौन कहउछंती चिंता करि परुछंती तो कहिबा आगरु अनेक थोर चिंता करछि महालक्ष्मी यहाँ ही बड़ भाई को आज्ञा तुम्हें पालन करिया को बाध्य महालक्ष्मी जाओ ए श्रीमंदिर छाड़ी चली जाओ तुम्हें चली जाओ चली जाओ चली जाओ। नमिता एमती चाहू कौन कौन भावु महाप्रभु कौन जगत यही आशा करे लक्ष्मी हाथ रंधा विना जे अन्न छुंती से पुणी मो लक्ष्मी को देवल तड़बे नमिता महाप्रभु ना बड़ मायावी कि कारण न था कौन एमती करेंगे चल आग को बढ़िया जगते बोलती तते बाई ठाकुराणी बाई प्राय बोलु थाउ होई मो घरणी एक घर कराउ सहस्र घर भांगी सहस्र घर कराउ एक घर भांगी इमंत प्रकारे लक्ष्मी महिमा तोहर जाओ लक्ष्मी बाहरे गो न थाओ मो घर तोहठारे कोप करी छंती ज्येष्ठ भाई लक्ष्मी देवी कहू छंती ठाकुर को चाहे छाड़ पत्र दे मते दियो घोड़ाई जगन्नाथ कहू छंती लक्ष्मी मुख चाहे। नमिता महालक्ष्मी निजे छाड़ पत्र मागिले एबे कौन हम जे मत तो किसी भल लगुन गीता चल आग को देखा चल गोटे स्त्री ता स्वामी को भूलिबा हाथर कथा नुहे स्वामी बड़ भाई कही यार अर्थ नुहे बड़ भाई जहाँ कहले आपको अंध भाव माने ने मो अग्रज ए घर मुरबी मुरबी निष्पत्ति को श्रेष्ठ निष्पत्ति भाव ग्रहण करने आगर स्मरण करतु स्वामी आपड़ बाहा विधि दस दिग को साखी रखे मत बाहरी अग्रज नियम मानवा दस दिग ऊर्धर आउ गोटे दिग ताल बाहा विधि बेदध्वनि अग्रज आदेश प्रतिध्वनि व्यतीत मत दुनिया कौन ध्वनि शुभे महालक्ष्मी किंतु आपड़ मत यह भाव श्रीमंदिर तड़ी दे रही क्योंकि बची भी जमी बहुत पूर्व बची भूली जाऊँच महाप्रभु आपड़ पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम यपरी कह तो जगतर अगर पुरुष मैंने शिखे कौन पुरुष जमी जड़े स्त्री स्वामी ठीक से परी को गोटे भाईर भाई आपड़ ही अन्याय कर महाप्रभु श्रीया चंडाणी हेले भी मोर भक्त मो कन्या से कन्या हीन है कौन माँ ता गृह को जापरबनी ये अनुशासन कहीं महाप्रभु यही अनुशासन को मुँह तैयारी करनी माँ लक्ष्मी मु तो केवल ये अनुशासन को पालन करुच्छी कौन मत श्रीमंदिर छाड़ी जीवा को हेबो जीवा को हेबो महालक्ष्मी भ्राता को नियम पालन करने को आमे समस्ते बाध्य मु तुमको खुशी खुशी विदाय दौनी महालक्ष्मी एथिपाई तुम्हें जेतिकी कष्ट पाउच मु भी सेतिकी कष्ट पाउच आ सेई कष्ट को ही छाती रे धरी कहउच चली जाओ तुम्हें चली जाओ महालक्ष्मी तुम्हें चली जाओ भ्राता भाज महालक्ष्मी प्रति आपण एत कठोर हूँ क्षमा करतु क्षमा मुरण्यर अजगर को क्षमा करदे पारे महाबल बाघर अदौती को सही जापे किंतु जो नारी निज घर पर संविधान को अतिक्रम करे, ताको क्षमा नुह ताको दंड मिल उचित भ्राता आपण निष्पत्ति ने सान भाई को सुनेदेले हेले सान भाई भाउज महालक्ष्मी को त्याग करने को चाहूंट कि ना ए विषय पचारे श्रीमंदिर मुरबी ए विशाकूल एकम्र वयोज्येष्ठ मु पुणी जगन्नाथ को पचारि केवल बलभद्र नुह मु जो निष्पत्ति ने कूल समस्त मानवाक बाध्य किंतु भ्राता भद्रा तू जदि भाव तो अनुरोधरे मु मो निष्पत्ति बदले देबी ताहले ताहा केबे भी संभव नुह मु बुझी पारुनी भाई ए परिस्थिति रे मोर भूमिका कौन हेबा उचित तोर एबे केवल गोटाई भूमिका जा देख से लक्ष्मी ए श्री मंदिर छाड़िला ना नहीं जा
लक्ष्मी को शुणे दे। आज सूर्यास्त हवा पूर्व से जमी श्रीमंदिर आज त्याग कर अवश्य कर बलभद्र निर्देश। जा मोर आदेश जगन्नाथ लक्ष्मी को शुणे दे। जा एमती मु तुमको ही खोजु थी कहत अग्रज बलभद्र मो उपरे गोटे गुरु दायित्व देखते आबुचे तुम्हें जदि से दायित्व मो हाथ रू नहीं जाता कारण से दायित्व संपादन करने को मोर ससाहस ना तुम्हें जा पाटा महादेव महालक्ष्मी को कहीदि बड़ भाई कठोर आदेश संध्या पूर्वर तांको श्रीमंदिर छाड़क हम एक कथा मु कह हाँ तमें कह चली कौन चली स्वामी एबे यहाँ एकमात्र पथ वरुण नंदिनी बरं परे भ्राता क्रोध शांत हेले मु पुणी तुमको बाहुड़े आणवी चाहुचो कौन वरुण नंदिनी मोर अनुभव हेउछि आपण मते दया करुछन्ति महाप्रभु दया करुणार कथा आसिला कोठु जहाँ सत्य मु सिया ही कहुछि सत्य कहा को आपण सत्य बोली कहुछन्ति सत्य यहा जे चंडाळुणी गृह को जाई तुम्हें भूल करिछ आ तुमको से भूल रो परिणाम भोगिबाकू पड़िबो अग्रजंक भाषा रे नीच गोत्रंक गृह रे भोजन करा जाए ना यदि नीच गोत्रंक गृह रे भोजन करा जाए ना तबे निमा नामक सिपुटी गृह रे आपण दुई भाई भोजन करिथिले ना कुहंतु निमा सिपुटी रो जाति कोन थिला गोत्र कोन थिला यदि चंडाळुणी गृह रे पिठापणा भोजन करिबा पाप तेबे द्वापर रे आपण जे विदुरंक गृह रे साग भोजन करिथिले ताको जाति कोन थिला श्री क्षेत्र आसीबा पूर्वरु जे विश्वबसुंक हातरु आपण ओइठा फल ग्रहण करिथिले सेहि विश्वबसुंकर जाति कोन थिला से माने कोन केहि निज गोत्र रो नथिले जाति भेदर पाचेरी भांगी समस्त को कोले नेबार परंपरा आपण ही आरंभ करिसंती स्वामी इति जाति इति वर्ण थौ थौ त्रितयरी सबरी हातरु ओइठा कोली खाइछंती गंगा पारी हेला बेले साधारण नाउरिया को विज्ञानी कैवर्तुर आख्या दीछंती आउ द्वापर जुगरे लीला शेष कोले बेले को इति जाति थौ थौ जारा सबर अड़ को निजो पात देखिछंती उत्तर दियंतु स्वामी मु कोन भूल कहुछि मु जहा भी कहुछि मु भ्राता का मर्यादा पई सुनिछि तुम पई मु भ्राता बाहर अपमानित आपण को भ्राता मो पई अपमानित बोली आपण मते श्रीमंदिर रु तोड़ी दिउछन्ति ना किंतु मने पकांतु आपण आज सिना भ्राता को मर्यादा पई आपण ई काम करुछन्ति दिने श्रीवस्त्र ब्राह्मण पाई आपण को मर्यादा हानि हेला बेले मु आपण को पाई कोन करथिली मने पकंतु स्वामी मते मो प्रश्नर उत्तर दियंतु महाप्रभु कहंतु ए भृगु किए भृगु जण ऋषि सरस्वती नदी कूल रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भितरु किए बड़
ए कथा जानिबा को मुनि कोनो सेई भृगु को दायित्व देथिले ना हां सेई भृगु जदी जय विजय मते देथिबा संवाद मिथ्या होइ न थाए तेबे सेई भृगु अर्थात शिवश्च ब्राह्मण सी कोन आपण को पदाघात करिछि पुणी आपण को बक्ष रे नै नै या मिथ्या आपण को भक्तर सब किछि को लुचै दबा आपण को अभ्यास अरे ना ना कौन हला महालक्ष्मी प्रकृतरे भृगु मुनि आपण को पदाघात करिछन्ति कि नहीं मु आपण को बक्ष रे देखिबा को चाहे मते जने सामान्य ब्राह्मण टे पदाघात करिवो केबे नु तुम्हें भूल सुनी छ वरुण नंदिनी यह असंभव मु निज आखिरी देखा चाहे महाप्रभु स्वामी को बक्षरे पदाघात करिवे धैर्य धर लक्ष्मी से तुम्हारा भक्त से आपणकर भक्त होई परंती किंतु मो स्वामी कुजी पदाघात कले से मोर शत्रु चिर शत्रु मु तांको वैकुंठ देछ मा लक्ष्मी वैकुंठ नुहे तांको पापर प्रायश्चित पई कळी चुगरी से सेई मंदिर रे आपणको दर्शन पई पड़ी रहिबे जगत जानिबो भगवान विष्णु को पदाघात करिवर परिणाम कोन होई पारे ना महालक्ष्मी ना नुहे हां कळी चुगरे भृगु आश्रम नामक आश्रम करी सी सेई श्री क्षेत्र रे पड़ी रहिबे से जे मो दर्शन पई पागल महालक्ष्मी आपण कर दर्शन तांको पई स्वप्न हेबो मोर दर्शन न पाइले त जीवन को अमावस्या गुटी आसीबो जो भक्तर विचार एते अंधकार छन्न केवल इतिक ही करे जाई पारे प्रति अमावस्या रे सी केवल अमावस्या नारायण को ही दर्शन करिवे आउ जदि से मोर दर्शन करबा को इच्छा करे तो आपण को दर्शन तांको पे स्वप्न पालटिबो आपण को प्रतिनिधि होई केवल आपण को सुदर्शन ही तांको दर्शन देबे दर्शन करिवे जी मो स्वामी को अपमानित करिसंती तांको से अपमान रो फल अवश्य भोगिबा को पड़िबो अवश्य तिनी मु स्वामी को केही अपमानित करथिले बोली से ऋषि भृगु हेले भी मु तांको श्री क्षेत्र रे दंड देथिली आज उवास दंड रे से भृगु आश्रम अछि से स्मृति रे आज भी अमावस्या नारायण को सागर विजय होछि आज भी सुदर्शन विजय करछंती से भृगु आश्रम को जीव लक्ष्मी स्वामी मान रक्षा से सब कर लक्ष्मी को तो महाप्रभु आज श्रीमंदिर तड़ी देन्याय प्रभु अन्याय कर सत्य जिते कठोर है सत्य सागर दुलणी आ सत्य को आम समस्ते स्वीकार करने को बाध्य एवं तुम्हें तुम पिता गृह को जापार आसुच ठीक अच्छे मु मो पिता गृह को जाऊँ किंतु मन रखु महाप्रभु मो सहित जो अन्याय हो सेपरि अन्याय जमिति पृथ्वीर आउ कौनसी नारी प्रति न हेउ से विषय मु आज ठारु चिंता करबा आरंभ करिबि ताहा तुमर व्यक्तिगत व्यापार सेथि पई मोर किछ कहिबार नै हां कहिबो त जय विजय को मु तुम साथरे रथरे प्रेरण करि पारे ओहो इपि सागर दुल्हनीर सुरक्षा कथा चिंता करछंती दरकार नहीं मोर सुरक्षा
ମୁଁ ଏକା ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାଗର ଦୁଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏକା ଗଲେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଲାବେଳେ ସାଗର ଦୁଲଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଭାବରେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲିନି। ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ ନାରୀର ସାହା, ତାର ପିତା, ଆଉ ବିବାହ ପରେ ତାର ସାରା ଜୀବନର ସାଥୀ ତା ପତି। ଦିନେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ଭୁଲ। ତାହେଲେ ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଲାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ବି ଧୂଳି ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ନ ଲାଗିବା ଦରକାର। ମା ମୋର ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ? ଗଲାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଟିକେ ଧୂଳି ବି ନେଇକି ଯିବେନି? ମୋତେ ବି ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ତାହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେତେକ ଅଙ୍ଗଭୂଷଣ, ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ସବୁ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଫେରେଇଦେବେ? ଯିଏ ନିଜେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ନିଜ ଅଙ୍ଗରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେନି କହୁନୁ? ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀର ହାତ ଧରି ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ବି ତାଙ୍କର ହେଲେନି। ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ବାପା, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ସୁନା ଗହଣା ନେଇକି କ'ଣ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ? ବାଇ ଠାକୁର ନା ନମିତା ଭାରି ରାଗି, ଭାବିଥିଲି ଦେଖିବା ମା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କ'ଣ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲେଉଟଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ଅଙ୍ଗର ଅଳଙ୍କାର ଯେତକ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଫେରଉଛନ୍ତି, ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦେଖିବା। ଆରେ ବହି ବୋଲିଲେ ସିନା ଜାଣିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋହ ଆଉ କ୍ରୋଧକୁ। ବଳରାମ ଦାସ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥର ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଚାଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହନ୍ତି ପଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନାଥ ଅରକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ, ରାଣ୍ଡିଅ ଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ମୁହିଁ ଯେ ନୁହଇ, ପିତାର ଘରକୁ ମୁଁ ଯେ ବାହାରି ଯିବଇ, ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ି ନିଅ, ପଛରେ ମୋତେ ଯେ ଆଉ ବୋଲଣା ନ ଦିଅ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ ଲକି ଭାଇ, ଅଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର ଆମ୍ଭେ ନେବ କାହିଁ ପାଇଁ, ଭାରିଜା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ କାଢ଼ି ଡକି ନିଏ, ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ଅଟଇ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିବାହି, ପଛରେ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ ଥିଲା, ସହସ୍ର ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଘେନି ଗଲା, ହେମନ୍ତ ଅଖ୍ୟାତି ମୋତେ ନ ଦିଅ ଗୋ ସାଇଁ, ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ, ଶିରରୁ କାଢ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁକୁତାର ଜାଲି, ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ କଞ୍ଚୁଲି, ଅଣ୍ଟାରୁ କାଢ଼ିଲେ ମାଏ ରତ୍ନ ଓଢ଼ି ଆଣି, ନାସିକାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ମୁକୁତା ବସଣି, କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟରୁ କାଢ଼ିଲେ ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳ, ଗଳାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଦୋସରି ଚିନାମାଳ, ପାଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେବୀ ବାଜିଣୀ ନୂପୁର, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ସତ୍ୱର, ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମାନ କି କହିବି ଆଉ, ରୁଣ୍ଡ କଲାରୁ ଦିଶିଲା ସବୁ ଦାଉ ଦାଉ, ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଏକଠାବ କଲେ, ରଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ସମର୍ପିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏହା କି କରିବୁ ନେଇ,
ଶାମ୍ଭର ଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଣ ଯେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟକୁ ତେଜଇ ଛଅ ମାସକୁ ଭାତ ଲୁଗା ଲେଖିଳ ଦିଅଇ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତୁମେ ଘିନିଯାଅ ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ଭାତ ଲୁଗା କରୁଥାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ ମୋର ତୁଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରି ଜାଣିବ ଏହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଦେବ ନମିତା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ କହିଲୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର ମନକୁ ସେତିକି ନ ବାଧିଲେ କିଏ କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲେ ଇଏ କ'ଣ ଏ ସବୁ ମୋତେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଉପହାର ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଥାର ମୁକୁଟ ଆପଣଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଧରନ୍ତୁ ଏ ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା କମର ପେଟି ଯିବାବେଳେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିସଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହେଁ सिद्धार्थ टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 डिश टीवी चैनल नंबर 1311 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 डी2एच चैनल नंबर 1715 को आज ही विजिट करंतु ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ